नमस्कार प्रभाशक्ति न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पंजाब में लॉकडाउन की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में इस बात के साफ संकेत दे दिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति गंभीर है, कोरोना वायरस का जो असर है, उन्होंने कई विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया, उसमें विदेशी विशेषज्ञ भी शामिल थे। उन्होंने कहा था कि ये अगस्त सितंबर तक भी जारी रह सकता है इसका असर, और अभी लॉकडाउन नहीं हटाया जा सकता, ऐसा माहौल नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ साफ कहा कि कोई नहीं चाहता कि लॉकडाउन हटे। हम आपको बता दें कि पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा हुआ है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को राहत देने की बात जरूर कही है, क्योंकि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और वहां पर किसानों को सहूलियत के लिए गांव-गांव में पास बांटे जाएंगे ताकि किसान मंडी तक अपना अनाज पहुंचा सके। जहां पर फसल तैयार है वहां पर फसल की कटाई हो सके, तो किसानों के लिए जरूर राहत की बात का ऐलान उन्होंने किया है। लेकिन लॉकडाउन बढ़ेगा पंजाब में, क्योंकि संक्रमण का ये जो वायरस है ये बड़ी तेजी के साथ फैला है। हमने देखा है कि इस समय 100 से ऊपर आंकड़ा है वहां पर संक्रमितों का। तो पंजाब के बाद और कौन कौन से राज्य, हमने देखा कि उड़ीसा ने एक दिन पहले ही वहां पर लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। अब क्या अलग अलग राज्य इस लॉकडाउन की अवधि बढ़ाते हैं, देखने वाली बात होगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल सभी मुख्यमंत्रियों का संवाद होना है, जिसमें तय होगा कि 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन की अवधि बढ़े या नहीं। और अगर हम व्यापक स्तर पर देखें तो फिलहाल कोई राज्य ऐसा नहीं है जो चाहता है कि 14 अप्रैल तक ही लॉकडाउन की अवधि रहे, सभी इसको बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि जो अब तक की गई मेहनत है उस पर पानी फिर जाए। और ये जो लॉकडाउन की अवधि क्यों बढ़ने जा रही है, इसका एक बहुत बड़ा हम आपको एक कारण बताते हैं। ICMR ने एक बड़ा आंकड़ा विदेशी पत्रकारों के साथ साझा किया है। ICMR के हवाले से हमारे जो विदेश मंत्रालय है उसके सचिव हैं पश्चिम के विकास स्वरूप, उन्होंने विदेशी पत्रकारों के साथ जो आंकड़ा किया है, उस आंकड़ा साझा किया है, उस आंकड़े को आप भी सुनिए। वो आंकड़ा कहता है कि अगर भारत में लॉकडाउन नहीं किया गया होता तो हमारे देश में अब तक कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 8,20,000 को पार कर जाती। और हमने वो जो अगर देखा है इस दूसरे तरीके से तो भारत एक दूसरा इटली बन जाता। तो बताया गया कि किस तरह से लॉकडाउन के जरिए हमने वायरस के संक्रमण को बहुत फैलने से रोका है। और अगर हम अभी के आंकड़ों की बात करें तो 6,500 के आसपास संक्रमित है, 199 लोगों की मृत्यु हुई है। तो भारत सरकार की कहीं ना कहीं सफलता है, राज्य की कहीं ना कहीं सफलता है, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। और आप देखिए कि कुछ जो हॉटस्पॉट्स हैं चार राज्यों में, खासतौर पर हम अगर बात करें कुछ 125 हॉटस्पॉट्स की, तो वहां पर डबल निगरानी है, लॉकडाउन भी है, ड्रोन से भी निगरानी हो रही है, कोई आसपास फटक नहीं सकता है, लोगों की जो जरूरतों का सामान है उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ सरकार ने तो 200 के आसपास ड्रोन खरीदने की मंजूरी भी दे दी है कि ड्रोनों से निगरानी को कैसे बढ़ाया जाए, जो लोग घर से बाहर नहीं निकले इस बात की चिंता की जाए। लेकिन एक चीज, एक सवाल और उठता है कि लोग तो अपने घरों में कैद हैं, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन जो VIP लोग हैं उनके लिए क्या नियम कानून कुछ नहीं है। यहाँ बात कर रहे हैं वधावन परिवार की, जो कि मुंबई से महाबलेश्वर की यात्रा करने पर निकल पड़ा और VIP पास उनको गृह विभाग की तरफ से दे दिया गया। हालांकि अधिकारी पर कार्रवाई हो गई है, पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है, कार्रवाई होगी। अभी इन लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है, वधावन परिवार के लोगों को, ताकि ये अगर संक्रमित हुए हैं तो वायरस ना फैले। लेकिन ये एक बड़ा सवाल जरूर उठा है महाराष्ट्र की सरकार पे कि आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार और VIP लोगों के साथ। इस बीच देश भर में लॉकडाउन की स्थितियों के बीच पहली बार रेलवे की सेवाएं भी पूरी तरह से बंद है। राज्यों की ओर से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग उठने के बाद अब सरकार भी इसकी मियाद बढ़ाने पर विचार कर रही है। वहीं रेलवे भी अपनी सेवाओं को एक पूरे प्लान के साथ शुरू करने के पक्ष में है। रेलवे के अधिकारी फिलहाल देश में कोरोना से अधिक प्रभावित क्षेत्रों में रेल सेवाओं को शुरू करने के पक्ष में नहीं है। साथ साथ सर्विसेज को शुरू करने की स्थितियों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कोच में मिडिल बर्थ को खाली रखने और थर्मल चेकिंग जैसे एहतियात को बरतने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा राज्यों में रेल सेवाओं को शुरू करने से पहले सरकार ने अपने उच्च अधिकारियों को प्रदेश सरकार के अफसरों से बात करने के लिए भी कहा है, जिससे कि प्रदेश में रेलवे की जरूरतों को देखने के बाद ही सेवाओं को शुरू कराया जा सके। रेलवे बोर्ड के चीफ VK यादव ने हाल ही में उच्च अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई अपनी एक मीटिंग में सरकार की योजना को लेकर जानकारियां साझा की हैं। रेलवे के अधिकारी देश के रेल नेटवर्क को रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटने की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे का प्लान है कि रेड जोन में फिलहाल कोई भी ट्रेन ना चलाई जाए, इसके अलावा येलो जोन में सीमित संख्या में सर्विसेज का संचालन हो और ग्रीन जोन में सर्विसेज को पूरी तरह से शुरू किया जाए। हालांकि सूत्रों का कहना है कि रेलवे ने फिलहाल अभी इस योजना का खाका ही खींचा है,
और सेवाओं को शुरू करने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। इसके अलावा रेलवे ने ये प्लान भी बनाया है कि रेगुलर सर्विस की अपेक्षा फिलहाल देश में स्पेशल ट्रेनों का ही संचालन शुरू कराया जाए। इन ट्रेनों में सिर्फ रिजर्वेशन के जरिए ही सीटों की बुकिंग की जाए और जनरल क्लास कोच में किसी को भी यात्रा की अनुमति नहीं दी जाए। अधिकारियों का मानना है कि रिजर्वेशन के जरिए यात्रियों को ट्रेन में यात्रा की इजाज़त देने पर उनकी डिटेल्स ट्रैक करना आसान हो सकता है। साथ साथ ऐसे कोच में मिडिल बर्थ पर बुकिंग ना करके सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन किया जा सकता है। रेलवे के उच्च स्तरीय सूत्रों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि ट्रेनों में प्रवेश से पहले यात्रियों की स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग कराई जा सकती है। साथ ही साथ ट्रेनों में फिलहाल यात्रियों को चादर और कंबल नहीं दिए जाएंगे। ट्रेन में यात्रियों को मिलने वाला खाना भी फिलहाल नहीं मिल सकेगा। रेलवे अधिकारियों ने जिस योजना का खाका खींचना शुरू किया है, अगर उसे लागू किया जाता है तो रेड जोन में आने वाले देश के 4 महानगरों को ट्रेन सर्विस नहीं मिल सकेगी। मुंबई, चेन्नई, सिकंदराबाद समेत कई बड़े शहरों में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या देखकर इनके रेड जोन में शामिल होने की पूरी संभावना लग रही है। ऐसे में अगर रेलवे की योजना को अमल में लाया जाता है तो 30 अप्रैल तक इन इलाकों में रेल सेवाएं बंद रह सकती हैं। उधर कोरोना संकट बढ़ने के बीच सबके मन में सवाल है कि पूरे देश में कब तक लॉकडाउन जारी रहेगा। 21 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन 4 दिन बाद पूरा हो जाएगा। इससे पहले फिक्की ने सरकार से लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने की अपील की है। फिक्की ने कहा है कि आईटी और स्कूलों को अभी बंद रखा जाना चाहिए। फिक्की ने केंद्र सरकार से सिफारिश की कि लॉकडाउन को देश में धीरे धीरे खोला जाए। मजदूरों को 15 अप्रैल से काम पर बुलाना चाहिए। मजदूरों को काम पर आने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। कोरोना फ्री जिलों में लॉकडाउन हटाने की शुरुआत हो, ऐसा सुझाव दिया गया है। फिक्की ने रिटेल स्टोर्स को आंशिक तौर पर खोलने की सिफारिश की है। ई कॉमर्स और घरेलू उड़ानों को भी आंशिक तौर पर अनुमति देने की अपील की गई है। फिक्की ने कहा है कि आम सड़क परिवहन को नियमों के साथ अनुमति दी जाए। फिक्की ने रेलवे को आंशिक तौर पर शुरू करने का अहम प्रस्ताव दिया है। फिक्की ने कहा है कि आईटी और स्कूलों में लॉकडाउन को बरकरार रखना चाहिए, साथ ही देश के छोटे बड़े होटल्स में भी लॉकडाउन जारी रखा जाए। उधर जम्मू से एक बड़ी रोचक खबर मिली है। यहाँ एक गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने और पूर्ण लॉकडाउन सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं ने लाठियों के साथ प्रवेश केंद्रों पर मोर्चा संभाल लिया है और उन्होंने गांव में प्रवेश के रास्तों को कटीले तारों से बंद कर दिया है। जम्मू में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने पर शहर से महज कुछ किलोमीटर दूर गाँव में माताओं और बेटियों ने यह काम संभाला है। जम्मू में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 61 वर्षीय महिला की कोरोना वायरस से बुधवार को मौत हो गई। इससे पहले जम्मू कश्मीर में इस संक्रामक रोग से मरने वाले लोगों की संख्या 4 हो गई है। यह जम्मू क्षेत्र में मौत का पहला मामला है, क्योंकि अन्य 3 लोगों की मौत कश्मीर में हुई है। पिछले कुछ दिनों से पूर्व सरपंच गुरमीत कौर के नेतृत्व में महिलाओं का एक समूह कुछ पुलिस कर्मियों के साथ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक अपने गाँव की सुरक्षा में तैनात रहता है। 6500 से अधिक आबादी वाले इस इलाके के प्रवेश केंद्रों को कटीली तारों से बंद कर दिया गया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतारेस ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने इस बात का संकेत दिया है कि विश्व में जैव आतंकवादी हमलों का परिणाम क्या हो सकता है। उन्होंने सचेत किया कि राजेतर समूह उन खतरनाक वायरसों तक पहुंच सकते हैं जो विश्व भर में इसी प्रकार की तबाही मचा सकते हैं। महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए इस वैश्विक महामारी के कारण दुनिया में पैदा हुए खतरों का जिक्र किया। परिषद ने डोमिनिकन गणराज्य की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस संकट पर पहली बार विचार विमर्श किया। गौरतलब है कि दुनिया भर में 16 लाख से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हैं और 95,000 से अधिक लोगों की संक्रमण के कारण मृत्यु हो चुकी है। और इस बीच विभिन्न राज्यों से खबरें आ रही हैं सुबह से कि वहां पर जो संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे गुजरात की बात हो चाहे कर्नाटक की बात हो, मृत्यु का भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो ये दर्शाता है कि अभी फिलहाल जो लॉकडाउन है वो निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। देखना होगा, इस बात पर गौर करना होगा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मुख्यमंत्री के साथ संवाद होना है उसमें क्या निकल कर आता है।